उत्तराखंड में जहां एक और अंकिता हत्याकांड के आक्रोश की लपटें अभी भी बुझी नहीं है, वहीं फिर एक और अंकिता के गुमशुदा होने की खबर सामने आ रही है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से किशोरियों के एकाएक लापता होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसी एक खबर आज राज्य के चमोली जिले से मिल रही है, जहां मुनियाली गांव निवासी जयपाल लाल की 18 वर्षीय पुत्री अंकिता बीते कई दिनों से लापता चल रही है। परिजन बेटी की तलाश में परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। अपने सभी नाते रिश्तेदारों तथा अंकिता के सभी दोस्तों से बात करने तथा बेटी की काफी खोजबीन के बाद भी जब अंकिता का कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने पुलिस में बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब चमोली पुलिस ने सोशल मीडिया के आम जनता से गुमशुदा किशोरी के दिखाई देने पर तुरंत सूचित करने की अपील की है। चमोली पुलिस द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो में किशोरी अंकिता का हुलिया कुछ इस प्रकार बताया गया है। रंग गोरा, उम्र 18 वर्ष, नाक कान आंख औसत एवं कद 4 फीट 9 इंच। चमोली पुलिस के साथ ही देवभूमि दर्शन भी आपसे अपील करता है कि जब किसी को भी लापता अंकिता के बारे में कोई भी सूचना मिलती है या वह कहीं भी नजर आती है तो तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर सूचना देने की कृपा करें। 18 वर्षीय किशोरी को उसके परेशान माता पिता से मिलाने में मदद करें। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें तथा परिजनों की मदद करें। गुमशुदा किशोरी का पता चलने पर इन नंबरों पर जरूर संपर्क करें। कार्यालय पुलिस अधीक्षक चमोली 01-37-22-52-134। निवास पुलिस अधीक्षक चमोली 01-37-22-52-133। प्रभारी निरीक्षक थाना चमोली 9411112860। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।